स्टार प्लस पर टेलीकास्ट होने वाले सीरियल परदेश में है मेरा दिल में राघव का एक ऐसा अतीत सामने आया है जिसे जानकर नैना पूरी तरह से हैरान हो गई है। दरअसल हमने आपको अपनी पिछली रिपोर्ट में बताया था कि नैना को राघव किसी तरह हॉस्पिटल से घर ले आता है और दादी उससे माफी भी मांगती है। तो वहीं आप इसके आने वाले एपिसोड्स में काफी हाई वोल्टेज ड्रामा देखने वाले हैं। नैना को पता चलता है कि राघव का जन्मदिन है और वो अपना जन्मदिन नहीं मनाता, इसलिए नैना ने सोचा है कि वो इस बार सरप्राइज देगी और उसका जन्मदिन काफी धूमधाम से मनाएगी, जिसके लिए वो खूब अच्छे से तैयारियां भी करती है। लेकिन ये क्या, यहाँ तो राघव नैना के सरप्राइज से खुश नहीं है बल्कि नैना पर और भी गुस्सा हो गया है। सारा सामान तोड़ फोड़ रहा है और शराब भी पी कर आया है। लेकिन राघव ऐसा क्यों कर रहा है? एक तो नैना ने इतनी मेहनत की और राघव ने उसकी सारी मेहनत पर पानी फेर कर रख दिया है। जब नैना ने इस बारे में दादी से बात की तो दादी का जवाब सुनकर नैना हैरान रह जाती है। दादी नैना से कहती है कि राघव के जन्म वाले दिन है उसके दादाजी की डेथ हो गई थी, इसलिए वो अपना जन्मदिन नहीं मनाता है। अब ये देखना काफी दिलचस्प हुआ कि राघव की सच्चाई जानने के बाद नैना के दिल में राघव के लिए क्या फीलिंग्स आती है। तो अपने से प्रिया की रिपोर्ट।